दोस्तों नमस्कार, यूनिक मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ अनसुलझे प्रश्नों को देखते हैं। एक लड़के से किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने बदले में 52 से उस संख्या में गुना कर दिया, जिससे उसका उत्तर अपेक्षित और सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। वह संख्या कौन सी थी? इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए डायरेक्टली जो गुना करने वाले संख्या है उसके अंतर से जो अधिक आंसर आता है उसमें भाग दे देते हैं, अर्थात 324 भागा 52 माइनस 25 अर्थात 324 बट्टे 27 बराबर 12, अर्थात हमको वह संख्या प्राप्त हो गई एकदम आसानी से। अब देखते हैं हम लोग दूसरे सवालों को। भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों के संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? माना कि भैंसों की संख्या x है तथा बत्तखों की संख्या y है। तो चूँकि भैंस के चार पैर होते हैं और बत्तख के दो पैर होते हैं, तो प्रश्नानुसार 4x जोड़ 2y बराबर 2 गुने x जोड़ y का योग जोड़ 24, अर्थात हमको समीकरण प्राप्त हो जाता है 4x जोड़ 2y बराबर 2x जोड़ 2y जोड़ 24। अब दाहिने तरफ 2x जोड़ 2y को बाएं तरफ ले आते हैं तो 4x में से 2x जाएगा 2x और 2y में से 2y घटेगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात 2x बराबर 24, इसलिए x बराबर 12, अर्थात भैंसों की कुल संख्या 12 प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं अगले सवालों को। एक संस्था में अफसरों का 1/5 भाग तथा सुपरवाइजरों का 1/2 भाग एक सम्मेलन में भाग लेते हैं। यदि भाग लेने वाले अफसरों तथा सुपरवाइजरों की संख्या कुल मिलाकर 400 है तो बताएं उस संस्था में कितने अफसर और सुपरवाइजर हैं। माना कि अफसर की संख्या x तथा सुपरवाइजर की संख्या y, तो प्रश्नानुसार एक्स बट्टे 5 जोर y बट्टे 2 बराबर 400। चूँकि प्रश्न में कह रहा है जो सम्मेलन में भाग लेने वालों की संख्या कुल 400 है। अब यहाँ पे अफसर और सुपरवाइजर की कुल संख्या दिया गया नहीं है, अर्थात दूसरा समीकरण हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अर्थात ये अधूरा सवाल है और आंकड़ा अपर्याप्त है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को संख्या पद्धति के कुछ अनसुलझे प्रश्न जो हम लोग सॉल्व किए अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।